पखिरसूची हरियाणा विधानसभा निर्वाचन प्रचार में कंपुची मैदान समस्त को बीजेपी हैट्रिक में 10 वर्ष पर कांग्रेस पुणर क्षमता को वापसी एक नहीं चर्चा निर्वाचन फलाफल का सपक्ष में जीव कह मुश्किल रही लोकसभा निर्वाचन ट्रेंड देखिले एथर कांग्रेस रही मौका या भितर कांग्रेस मुंडविंधा हो दल भितर मुंड टेक असंतोष कुमार शैलजा असंतोष जाहिर करते प्रचार दूरे रही है जदि एवं से मनि जापटे वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा काले रागिजे सेने हाईकमाण्ड बेस तत्पर पार्टी चली कंदल में ब्रेक लगे राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल कसरत शैलजा को मनवाक जा हुड्डा जमी खपा नए से राहुल गांधी प्रस्तुत करते टू वे प्लां शैलजा कांग्रेस दलित चेहरा हुड्डा जाट समुदाय का मजबूत नेता दलित जाट समीकरण में कांग्रेस क्षमता को आसवा को रणनीति प्रस्तुत होती विधानसभा निर्वाचन पर राहुल गांधी हरियाणा निर्वाचन प्रचार करते आज दुईट राली को संबोधित करते राहुल करनाल असंद विधानसभा आसन पर राहुल प्रथम राली करते द्वितीय राली हिसार बरबाला करते राहुल जो दुईट अंचल निर्वाचन राली को संबोधन करते गोटे आसन में शैलजा घनिष्ठ सहयोगी लड़ुंट अं आसन हुड्डा निकटतर निर्वाचन लड़ुं राहुल दुई गोष्ठी को मनवा सह राज्य दलित जाट समुदाय सपक्ष ने चेष्टा करनाल राहुल गोटे मंच में शैलजा हुड्डा को आनी देते बड़ वार्ता भाषण राहुल गांधी बीजेपी उपर बसी बीजेपी आथलेट्स खत्म कर महिला कुस्तीजोद्धा सहित जनशोषण करुक्त को बंचाई अग्निवीर स्कीम आनी जवानों ठार पेनसन और शहीद मान्यता छड़ाई नहीं राम मंदिर निर्माण कले कि आदिवासियों को प्रवेश अनुमति देना हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर क्षमता को आसे हरियाणा जनता पकेट्रे डायरेक्ट मनीजी ये किसी प्रतिश्रुतिर पहाड़ वर्षा कर राहुल गांधी अनेक गुड़े अभोग बाढ़ बीजेपी एगेन्स्ट तेज अक्टोबर 5 हरियाणा विधानसभा निर्वाचन रही हैट्रिक विजय लक्ष्य रही बीजेपी एवं 10 वर्ष पर शासन को फेरवा टार्गेट रही कांग्रेस प्रचार जोरदार करते उभय बीजेपी एवं कांग्रेस आज करनाल असांद और बरवाल जनसभा करते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 दिन मध्य करनाल को राहुल द्वितीय गस्त से राहुल को लुट और झूठ कही समालोचना करजेपी देखो रिपोर्ट ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया। हरियाणा रे राहुल का प्रचार असांद और परवाल रे बीजेपी को टारगेट पूरा परिवार चला रहा है क्यों क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। अग्निवीर योजना जवान का पाई घातक लूट और झूठ कही राहुल को समालोचना कला बीजेपी अक्टूबर 5 हरियाणा विधानसभा निर्वाचन हैट्रिक विजय लक्ष्य बीजेपी 10 वर्ष पर शासन को फेरवा लक्ष्य कांग्रेस प्रचार जोरदार करिछंदे उभय बीजेपी और कांग्रेस आज करनाल असांद एवं बरवाल जनसभा करिछंदे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 दिन मध्य करनाल को राहुल द्वितीय गस्त जवान का पे अग्निवीर दुख क्रीड़ाविद को शोषण आदिवासी को राम मंदिर प्रवेश प्रतिबंधक एवं अदानी हरियाणावासी को लुटुवा प्रसंग जनसभा उठाई बीजेपी को टारगेट कर राहुल छवि खराब करने को विरोधी 1000 कोटी टंका खर्च कर राहुल कहते निर्वाचन में विजय हेले हरियाणावासी 2 लाख सरकारी चाकरी और MSP ग्यारंटी नहीं प्रतिश्रुति सहित निर्वाचन में कांग्रेस हरियाणा क्लीन स्वीप कर दम्भक्ति देखा राहुल सेपटे कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा बीजेपी में योगदान नहीं जो गुजब चलुला को निजे शैलजा खंडन करने सहित राहुल को प्रचार कर हरियाणा एक साथ लड़ेगा सबकी सरकार बनेगी खुशी से बनेगी चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है स्वीप करने जा रही आंधी आ रही है। चुनाव में दूसरी पार्टियां कुछ ना कुछ ढूंढती हैं लेकिन बात यह है कि भाजपा के पास अपना कुछ दिखाने को कुछ नहीं है तो वो इस तरह के बातें फैलाते हैं। हरियाणा निर्वाचन पाखे आसुवा बेले बीजेपी विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री को आनी प्रचार करुचे आज कुरुक्षेत्र लड़वारो प्रार्थी होता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रचार करते कांग्रेस आदिवासी नेत्री शैलजा असंतोष प्रसंग में नायब सिंह सैनी कहते दलित विरोधी कांग्रेस या सहित हरियाणा निर्वाचन में कांग्रेस 2 संख्या छुई पार ना बोली सैनी एस तो बीजेपी स्टार प्रचारक भाव हरियाणा निर्वाचन प्रचार मैदान को ओह्लाई राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भजनलाल कांग्रेस निर्वाचन मैनिफेस्टो को झूठ मैनिफेस्टो बोली कहते से भी मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा निर्वाचन में प्रचार कर मोदी तीसरी बार आ गए
तो आरक्षण को संविधान को खत्म कर देंगे। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं, जो आपने अमेरिका के अंदर बयान दिया है, हरियाणा प्रदेश का हमारा दलित समाज वो आपसे जानना चाहता है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है। इसके पिछले 3-4-5 बार के घोषणा पत्र आप देख लेना कि कांग्रेस झूठ के और लूट के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र को देखना कि उन्होंने उन घोषणा पत्र पर कितना अमल किया है। विधानसभा में आया हूं और जिस प्रकार से मुझे रिस्पांस मिल रहा है भवानी जिले की, हम सारी सीटों सहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारी संख्या में जन समर्थन के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, हरियाणा और दिल्ली की सरकार मिलकर के विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी। 90 आसन विशिष्ट हरियाणा विधानसभा आसंता 5 तारीख में पड़ो भोट। या पूर्व कांग्रेस और बीजेपी मध्य आरोप प्रत्यारोप राजनीति जोर धरी। हरियाणा राहुल गांधी को राली को नहीं राज्यर पूर्वतन गृहमंत्री कटाक्ष कर कौन कही पूर्वतन गृहमंत्री टी तथ्य मध्य बुझापी चेषा करवा कहीं कटाक्ष कर कौन रही असुविधा। राहुल गांधी को राली नहीं पूर्वतन गृहमंत्री अनिल विज कटाक्ष से कहले राहुल आसुच्चंती स्वागत किंतु से जो बयान दौरान स्वागत नुहे। राहुल गांधी आमपाई शुभ एक कौन सी अनिल विज कहते राहुल आम शुभ राहुल जोटी जाते सेठे बीजेपी सरकार गढ़े एमती से कटाक्ष कर तेणु संरक्षण नहीं राहुल को बयान को अनिल विज कहते समालोचना जे से संरक्षण कथा जो उठेले आम संरक्षण खत्म होगा देवुना स्पष्ट भाव कहते अनिल विज और कांग्रेस सब समय जनता को धोखा दे कांग्रेस सब धोखा दे तेणु एथर भी से धोखा दौर कांग्रेस मिछर फैक्ट्री खोली नफरतर दुकान कथा जो उठाई से नफरत दुकान कथा कहे देश और संविधान प्रति बेस विपद गांधी राज परिवार आसी करनाल रे बीजेपी पर राहुल करते हमला राहुल पद पलटवार करते करनाल रे बीजेपी सरकार हरियाणा को बर्बाद कर बोली राहुल को अभियोग राहुल आक्षेप करते भाया एटी बेकारी और दर वृद्धि नहीं लोके हंतसंत होती से मेडल कथ उठे हरियाणा युववर्ग जमी बिके आमेरिका जाता उठे से निजुक्तिर सुजोग नाई कहते अग्निवीर कथा उठे यादारा शहीद मान्यता शेष होता कहते ये अनेक गुड़े अभोग बाढ़ कि देखा रहा आगे जे लोक कौन ग्रहण करुँच करूना।